आरोग्य जागृति। बाबा रामदेव आए दिन ऊटपटांग बयान देकर विवादों में घिरे रहते हैं। पिछले कुछ दिनों से एलोपैथी डॉक्टरों का मजाक उड़ाते हुए लाला रामदेव ने एलोपैथी दवाइयों के कारण ज्यादा लोग मर रहे हैं ये विवादित बयान दिया। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। अब ये विवाद इतना छिड़ गया है कि पूरे भारत के डॉक्टर्स और IMA, फोरडा, फाइमा ये सारी संस्थाएं 1 जुलाई को बाबा रामदेव के विरोध में काला दिवस मनाकर विरोध करेंगे। दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि बाबा रामदेव ये योग गुरु के तौर पे शायद इनका कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन इन्हें एलोपैथी के बारे में कितना अभ्यास है शायद इसकी जानकारी या डिग्री उनके पास नहीं है, क्योंकि वे खुद अपने एक बयान में कहते हैं कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। डॉक्टर बनना है, टर 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 बनना है, टर अपने आप को ही नहीं बचा पाई वो कैसी डॉक्टरी। तो मैंने कहा डॉक्टर बनना है तो स्वामी रामदेव जैसा बन जिसके पास में कोई डिग्री नहीं और सबका डॉक्टर है। विदाउट एनी डिग्री, विद डिविनिटी, विद डिग्निटी आई एम ए डॉक्टर। फिर इन्हें किसने अधिकार दिया एलोपैथिक डॉक्टरों का विरोध करने का या उनके बारे में झूठ फैलाने का? हम आयुर्वेद को गलत नहीं मानते हैं, आयुर्वेद का अपना एक अलग स्थान है। पिछले 2 साल से रात दिन एक कर डॉक्टर हमारी जान बचाने में लगे हैं और एलोपैथिक डॉक्टरों को नीचा दिखाए ये हैसियत लाला रामदेव की नहीं है। पता नहीं इतनी गलत बयानबाजी और झूठ के बाद भी सरकार यानी आजकल जिसे सिस्टम कहा जाता है ये बाबा रामदेव पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? लाला रामदेव की इतनी हिम्मत कि वो कहते हैं किसी के बाप में हिम्मत नहीं जो मुझे अरेस्ट कर सके। अब उनके खैर अरेस्ट तो किसी वो जो है उन, 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 उनका उनका बाप भी कोई नहीं कर सकता स्वामी रामदेव को। क्या सच में सिस्टम बाबा जी के एहसानों तले जी रहा है? 1 जुलाई भारत के सभी डॉक्टर हाथ में काला बैंड बांध कर काला दिवस मना रहे हैं, तो क्या सिस्टम यानी सरकार बाबा रामदेव को बचाने के लिए भारत के संपूर्ण डॉक्टरों को देशद्रोही साबित करेगी? ये आने वाले दिनों में चर्चा का विषय होगा। हम आरोग्य जागृति के माध्यम से सभी वैद्यकीय स्थानिक डॉक्टर, कर्मचारी, पदाधिकारियों से निवेदन है कि राजनीति छोड़कर रामदेव के इस बयान पर खुलकर अपनी राय दे, नहीं तो बाबा रामदेव की हिम्मत इतनी बढ़ जाएगी कि वो अपनी दवाइयां बेचने के लिए IMA, फोरडा, फाइमा जैसी बड़ी संस्थाओं को गलत साबित करता रहेगा। आज हर डॉक्टर इस विषय को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है। जरा सुनिए IMA औरंगाबाद के प्रेसिडेंट डॉक्टर संतोष रंजाड़कर, इन्होंने सभी डॉक्टर्स को आह्वान किया है कि सभी एकजुट होकर रामदेव के इस बयान का विरोध करें और सख्त कार्रवाई करने की मांग करें, ताकि और कोई रामदेव एलोपैथी या किसी और पैथी के बारे में बेबुनियाद वक्तव्य ना करे। मैं डॉक्टर संतोष रंजाड़कर, प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन औरंगाबाद ब्रांच। आज सबसे पहले ये आरोग्य जागृति जो चैनल है, जिसने हमेशा ही जहाँ जहाँ सोसाइटी में किसी गलत चीज़ देखी गई है या उनकी नज़र में आई है, तब किसी डर के बगैर, किसी लालच के बगैर सामने आके सोसाइटी में उसका पोल खोल किया है और वाकई में सही को सही और गलत को गलत कहने के लिए बहुत बड़ा जिगर लगता है, हार्ट लगता है और निरपेक्ष आदमी रहना पड़ता है। इसलिए मैं ये चैनल के हमेशा सराहना करता हूँ और जब भी उनसे बात करता हूँ मैं खुशी महसूस करता हूँ। आज जो बहस चल रही है पूरे हिंदुस्तान में कि रामदेव बाबा जी कुछ कह रहे हैं और IMA उसका जवाब दे रहा है, पहले तो बात यह है कि ये जो वक्त है, ये जो घड़ी है हमारे राष्ट्र में या पूरे विश्व में, जहाँ पे कोविड के साथ हमारा महायुद्ध चल रहा है, पिछले 16 महीने से पूरा वर्ल्ड इस जंग में लड़ाई लड़ रहा है। हिंदुस्तान में 1500 से ज़्यादा डॉक्टर, 3000 से ज़्यादा आरोग्य कर्मचारी, 2000 से ज़्यादा पुलिस कर्मचारी,
कई नेता, लीडर्स, एक्टर्स इसमें शहीद हो चुके हैं। ऐसे वक्त में कोई तो भी मसला उठाना और एलोपैथी की जगह पे आयुर्वेदिक का ट्रीटमेंट करना चाहिए। एलोपैथिक एक बकवास थेरेपी है। इस तरह के जो भी स्टेटमेंट करेगा या बयान देगा वो राष्ट्रद्रोह का गुनाह समझ के उस आदमी को सबसे पहले अरेस्ट करना चाहिए। ये इस तरह की बयानबाजी की वजह से यहाँ की आम नागरिक जो है वो गुमराह हो रहे हैं, और जो अपनी दिल जान पे खेल के लोगों की सेवा कर रहे हैं, डॉक्टर्स है, आरोग्य कर्मचारी है, पुलिस कर्मचारी है, जो जो अपनी जान पे खेल के योगदान दे रहे, उनका मनोदल, उनका मनोबल खच्चीकरण इस तरह की बयानबाजी से होता है। आयुर्वेदिक ये हिंदुस्तान का सबसे पुराना शास्त्र है, हमें उस पर फख्र है। हम हमेशा कहते हैं कि आयुर्वेदिक मेडिसिन में इतना रिसर्च होना चाहिए कि जो बड़े बड़े ऑपरेशन लगते हैं, जैसे बाईपास सर्जरी है हार्ट की, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी है, ब्रेन के सर्जरीज है, रिसर्च करके इस पर दवा निकालो ताकि ये सर्जरीज अवॉइड हो। पूरे वर्ल्ड को हिंदुस्तान ने दिया हुआ यह आयुर्वेद एक तोहफा है। आयुर्वेद अपनी जगह पर, आयुर्वेद हमेशा जिंदाबाद है, आयुर्वेद से हमको कोई शिकायत नहीं है। लेकिन रामदेव बाबा, उनकी भी हम बहुत इज्जत करते हैं। पिछले 25 साल से मैं उनको एक योग गुरु के रूप में देखता हूँ। उन्होंने कई कार्यक्रम किए हैं, उनका कार्यक्रम मैंने भी अटेंड किया है, लेकिन वो आयुर्वेद के डॉक्टर कब से बन गए? और बाकी पैथी पे बात करने का उनको अधिकार किसने दिया है? आप खुद को आयुर्वेदिक डॉक्टर समझते हैं, आप आयुर्वेद पे बात कीजिए। एलोपैथिक मेडिसिन जो है आज पूरे वर्ल्ड में 80% से ज़्यादा लोग एलोपैथिक की ट्रीटमेंट लेते हैं। यहाँ पे हजारों करोड़ों डॉलर्स का रिसर्च होता है। हर मॉलिक्यूल, हर दवा जब मार्केट में आती है तो उसके साथ लिखा हुआ होता है कि ये दवा कितनी देनी चाहिए, कब देनी चाहिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, कब बंद करनी चाहिए। इतनी ट्रांसपेरेंसी जो एलोपैथिक में है उतनी ट्रांसपेरेंसी किसी और मेडिसिन में नहीं है। कोविड वार में हम देख रहे हैं रेमडेसिविर शुरू हुआ, लोगों को दिया गया, लोग अच्छे हुए, कुछ लोग अच्छे नहीं हुए, लेकिन इतनी ऑनेस्टी ये प्रोफेशन में है कि आज पूरा डेटा स्टडी करने के बाद, रिसर्च करने के बाद लोगों ने सामने आके कहा कि ये पूरा सॉल्यूशन नहीं है, हमें और रिसर्च की ज़रूरत है, ये मॉलिक्यूल जान बचाने वाला मॉलिक्यूल नहीं है, ये ट्रांसपेरेंसी तुमको किसी और पैच में नहीं मिलेगी। तो तुम अपनी जगह कायम रहो, अपने खुद के फायदे के लिए, अपनी कंपनी का सेल बढ़ाने के लिए लोगों के दिल में घबराहट पैदा मत करो, लोगों के दिल में कन्फ्यूजन मत करो। लोग डरे हुए हैं, बीमारी नहीं है, लोग एकजुट होकर इसका सामना कर रहे हैं। ऐसे वक्त उनका मनोधैर्य खच्चीकरण मत करो और पूरी डॉक्टर कायनात को गुमराह और बदनाम मत करो। हाथ धो, योगा करो, रोज़ दौड़ो, सेहत अच्छी रखो, पानी शुद्ध पियो, हवा अच्छी लो। ये सब हमने सिर्फ रामदेव बाबा से नहीं सीखा, ये हम सालों साल से सुन रहे हैं। तो इसके लिए, ये ज्ञान बांटने के लिए इसका पूरा क्रेडिट रामदेव बाबा को देने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बाबा जी, आप अपना काम अच्छी तरह से करो, आपको जो व्यवसाय करना है वो अच्छी तरह से करो, लेकिन आपका व्यवसाय बढ़ाने के लिए एलोपैथी पे दोष मत दो। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जिसके 6 लाख से ज़्यादा मेंबर्स है पूरे हिंदुस्तान में, 50,000 से ज़्यादा मेंबर है महाराष्ट्र में, हम सब इसका निषेध करते हैं। हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर जयलाल साहब, हमारे सेक्रेटरी डॉक्टर लेले साहब, हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट डॉक्टर लोंडे साहब, सब ने इसका निषेध किया हुआ है और कानूनी कार्रवाई इसके ऊपर चल रही है। असल में ये लोगों की तरफ ध्यान देना ज़रूरी नहीं है, ये इनका पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन बुरा इस बात का लगता है कि एक आम आदमी इनकी वजह से गुमराह होके, जो आदमी अपनी जान पे खेलकर इनकी सेवा दे रहा है
उसके लिए उसके दिल में शक पैदा होता है, और जो जिस पल जो डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट दे रहा है उसके नियत के बारे में आपके दिल में शक पैदा होता है तो आप अच्छे नहीं हो सकते। तो ये माहौल ख़त्म होना चाहिए, और जो भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो ये बाबा के खिलाफ करनी चाहिए। और आयुर्वेद एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एलोपैथिक, ये झगड़ा इसमें कहीं भी पैदा नहीं होता है। बाबा जी कृपा करके इसमें राजकारण या राजनीति मत लाइए। एलोपैथी की डिग्री लेने के लिए या फिर आयुर्वेदिक की डिग्री लेने के लिए कुछ पढ़ाई करना पड़ती है, तो अभी नॉन मेडिकोज जिनको कोई डिग्री नहीं होती है, ऐसे लोग कोई एलिगेशन लगाते हैं तो ऐसे के ऐसे लोगों के ऊपर शासन ने कौन सी कार्रवाई करना चाहिए और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करना चाहिए, तो आपके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की ओर से क्या कदम उठाया जाएगा? MBBS डॉक्टर बनने के लिए आपको 4.5 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बाद 1 साल आपको कंपलसरी इंटर्नशिप करने की पड़ती है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए आपको एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस देना पड़ता है, उसके बाद 3 साल आपको कोर्स करना पड़ता है, फिर बॉन्ड ख़त्म करने के लिए आपको 1 या 2 साल सरकारी नौकरी करनी पड़ती है। यानी कि ज़िंदगी के 10 से 11 साल अपना दिल दिमाग 24 घंटा वो सब्जेक्ट में डाल के जब आप जानकारी लेते हैं तब आप एक काबिल डॉक्टर बनते हैं। आयुर्वेदिक का भी वैसा ही है, वो एक बहुत बड़ा शास्त्र है, उसमें भी 5-5.5 साल बेसिक डिग्री के लिए लगते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 2.5-3 साल लगते हैं, यानी तकरीबन 10 साल वो भी लोग मेहनत करते हैं। इसलिए ये दोनों शास्त्र अपनी जगह पे महान है, लेकिन हमारे देश में या मुल्क में या वर्ल्ड में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि किसी को भी कुछ भी बोलने की सहूलियत है, राइट है, ये न्यायिक हक की वजह से लोग अपने लिमिट्स के बाहर जाके जो मुंह में आए बकते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं। ये पूरे शासन की जिम्मेदारी है कि जो भी डॉक्टर प्रैक्टिस करने के लिए मार्केट में आता है उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स की जांच होनी चाहिए, उसकी एक कॉपी उसका रिकॉर्ड कॉर्पोरेशन के पास रहना चाहिए, जो डॉक्टर प्रैक्टिस करता है उसका रजिस्ट्रेशन स्टेट के या सेंट्रल एसोसिएशन के साथ, जैसे महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल इंडिया में महाराष्ट्र में है, इंडियन मेडिकल काउंसिल पूरे हिंदुस्तान में है, इनके साथ उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और ये सब वेरिफिकेशन किए बगैर वो आदमी को प्रैक्टिस करने की सहूलियत या परमिशन या इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। अब कई बार क्या होता है, सिटी में तो ये फॉलो किया जाता है, सिटी में जैसे औरंगाबाद शहर में आपको दवाखाना शुरू करना है तो आपको बाकायदा कॉर्पोरेशन में जाके एप्लीकेशन देके आपके पूरे डॉक्यूमेंट सबमिट करके वहाँ की एक टीम आके वो सब वेरीफाई करती है, आपका प्लेस वेरीफाई करती है, फिर आपको रजिस्ट्रेशन देती है प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन देहातों में, ग्रामीण विभाग में, जंगलों में या छोटे छोटे कस्बों में जो कई लोग प्रैक्टिस करते हैं उनके पास कोई कागज़ नहीं होता है, कोई डिग्री नहीं होती है, कहीं तो भी बंगाल से, उत्तर प्रदेश से कोई एक छोटा सर्टिफिकेट ला के लगा के वो प्रैक्टिस करते हैं, सालों साल वो प्रैक्टिस चलती है, लोगों को उससे गुण मिलता है, इसलिए कोई आके शिकायत नहीं करता है। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा प्रशासन को कि हर डॉक्टर की जांच होनी चाहिए कि वो वाकई में डॉक्टर है या कोई फर्जी इंसान है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को किसी के भी अलग कोई भी लीगल या कानूनी एक्शन लेने का राइट नहीं है, लेकिन हम जानकारी दे सकते हैं स्थानीय प्रशासन को कि भाई इनकी इनकी आप तहकीकात करो और ये वाकई में डॉक्टर है क्या ये देखो। पकड़ने के लिए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पूरे रूल्स है, उसका इम्प्लीमेंटेशन होना ज़रूरी है। सर मुझे फख्र लगता है कि आज औरंगाबाद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के तकरीबन 1630 सदस्य बन चुके हैं। हाँ, ये बात सही है कि औरंगाबाद शहर में 4 से 4,500 डॉक्टर्स है। अब इसमें क्या होता है कि स्पेशलिटी होने के बाद औरंगाबाद में हर स्पेशलिटी के सब स्पेशलिटी एसोसिएशंस है, जैसे छोटे बच्चों के डॉक्टर हैं उनका पीडियाट्रिक एसोसिएशन है,
वो ये डिलीवरी करने वाले ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट का एसोसिएशन है, जैसा मैं हड्डी का डॉक्टर हूँ तो हमारा ऑर्थोपेडिक एसोसिएशन है, फिजिशियन एसोसिएशन है, साइकेट्रिक एसोसिएशन है, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एसोसिएशन है। तो इसमें क्या होता है कि जब आदमी शहर में आता है तो सबसे पहले वो जिस स्पेशलिटी का स्पेशलिस्ट है उस सब स्पेशलिटी एसोसिएशन का मेंबर बनना पसंद करता है, और बाद में वो IMA का मेंबर बनना पसंद करता है। लेकिन यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि आज ये नीड ऑफ द आवर, यानी ये वक्त की पुकार है कि आप किसी भी स्पेशलिटी के स्पेशलिस्ट हो, आपको एक छाते के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे आना ज़रूरी है। और ये सबसे बड़ा छाता और सबसे बड़ा अम्ब्रेला है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। अब जैसे औरंगाबाद शहर में धूत हॉस्पिटल में लोग काम करते हैं, MGM में काम करते हैं, हेडगेवर में काम करते हैं, अपने अपने हॉस्पिटल चलाते हैं, वो अपने अपने एसोसिएशन के मेंबर है, उसके बावजूद भी वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर है। और वक्त बहुत अच्छा नहीं है, स्पेशली आज हम देखते हैं ये कोरोना के संकट में लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। एक तो लोगों की आमदनी कम हो चुकी है, व्यापार बंद है, पगार बंद है, बीमारी बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, और रिजल्ट भी जैसा चाहिए वैसा हर बार मिलेगा इसका गारंटी नहीं है। इसलिए फ्रस्ट्रेशन में आके मानसिक संतुलन खो के लोग कई बार अपना आका भूल के डॉक्टर्स पे हमला करते हैं, दवाखाने पे हमला करते हैं। अब ये एपिडेमिक एक्ट लागू हो चुका है, प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, इन्होंने पूरे पुलिस प्रशासन को आदेश देके रखा है कि ऐसी कोई भी घटना हो तो तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करके अनबेलेबल वारंट देके उसके ऊपर 15 दिन या एक महीने के अंदर चार्जशीट दाखिल करके एक साल के अंदर उसका केस कोर्ट में भी निकलना चाहिए। इस तरह के पोस्टर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने तैयार करके हर हॉस्पिटल में लगाए हुए हैं, ताकि ये जो भड़कना वाला समाज है, ये जो झगड़ा करने वाले लोग हैं, इनको पहले मालूम हो, जानकारी हो कि अपने को इस चक्कर में नहीं जाना है। तो मैं हाथ जोड़ के सब मेंबर से विनती करता हूँ कि आप ज़रूर अपने अपने सब स्पेशलिटी के मेंबर बनो, लेकिन वी नीड टू बी यूनाइटेड अंडर वन बिग अम्ब्रेला। छोटे छोटे छाते तुमको सपोर्ट देते हैं, लेकिन बारिश से तुम्हारा पूरा बचाव नहीं करते हैं। हर संकट में एक छोटा छाता लेके तुम बाहर नहीं निकल सकते हो। कोई भी ब्रांचेस हो, हमारे कलर्स कोई भी हो, हरा हो, पीला हो, नीला हो, सफ़ेद हो, गेरुआ हो, वी आर ऑल टुगेदर अंडर वन बैनर एंड दैट इज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। तो वक्त की नज़ाकत समझो, फ्यूचर की ज़रूरत समझो, लेकिन इकट्ठा आओ। तुम इकट्ठा रहोगे, तुम्हारे ऊपर एलिगेशन करने वाला आदमी 4 बार सोचेगा। पूरे एलोपैथिक फ्रेटर्निटी ने एक साथ जरूरी आना ज़रूरी है। और इसी के साथ ये भी कहूँगा कि हमारा और किसी पैथी से कोई झगड़ा नहीं है। आयुर्वेदिक वाले, आयुष डॉक्टर्स हमारे भाई लोग हैं, वो भी जनता की सेवा कर रहे हैं। होम्योपैथी वाले, वो भी जनता की सेवा कर रहे हैं। यूनानी वाले, वो अपने स्टाइल से काम कर रहे हैं। हमारा कहना इतना ही है कि जो आप पढ़े हो, जिस चीज़ का आपको ज्ञान है, उस पैथी की प्रैक्टिस करो तो आप जस्टिस करोगे। किसी का कुछ सुन के कुछ भी मत लिखो, और किसी के बहकावे में आके दूसरे पैथियों पे पत्थर मत फेंको, ये पत्थर वापस तुम्हारे ऊपर आने वाले हैं। हम सब मिलके काम करेंगे तभी डॉक्टर के प्रति समाज में विश्वास रहेगा। और ऐसा आदमी जो अपने स्वार्थ के लिए कोई भी बड़ी बड़ी बातें TV पे या चैनल पे करेगा तो तुरंत सड़क पे खड़े रह के उसका विरोध करो। तुम्हारा विरोध जब तक दिखेगा नहीं तब तक वो आदमी रुकेगा नहीं। जय हिंद। IMA के प्रेसिडेंट डॉक्टर रंजाड़कर सर ने काफ़ी हमें अच्छी जानकारी दी है, और डॉक्टर्स के लिए महत्वपूर्ण ये है कि एकजुट आना बहुत ज़रूरी है। आरोग्य जागृति का भी एक ही अभियान रहेगा क्या, सभी डॉक्टर कोई भी पैथी के हो अपने अपने पैथी का उपचार करें, और हम एकजुट होकर हर संकट का सामना करें।